नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RBSC विद HSM में। सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर की द्वारा एडमिशन सेशन 2021 से 2022 के अंतर्गत डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन साइबर सिक्योरिटी की मेरिट लिस्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण अपडेट्स जारी की गई है एवं फी सबमिशन के संदर्भ में भी गाइडलाइन जारी की गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी तथ्यों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। मेरिट लिस्ट ऑफ डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स इन साइबर सिक्योरिटी दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। लास्ट डेट फॉर फी डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी इज 30 नवंबर 2021। 30 नवंबर 2021 तक हम फीस डिपॉजिट कर सकते हैं यानी जमा करा सकते हैं। अब बात करेंगे हम मेरिट लिस्ट के संदर्भ में। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी रेगुलर मेरिट लिस्ट प्राइवेट मेरिट लिस्ट एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट मेरिट लिस्ट। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट ऑफ डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर मेरिट लिस्ट के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी रेगुलर फर्स्ट मेरिट लिस्ट। इस पीडीएफ फाइल का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। टोटल कैंडिडेट्स हैं 10। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, सेक्स एंड कैटेगरी के संदर्भ में हम जानकारी ले सकते हैं प्राइवेट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। इस पीडीएफ फाइल का लिंक भी टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक उपलब्ध करा दिया गया है जिसकी सहायता से आप इस पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट दी गई लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट। टोटल कैंडिडेट्स हैं 133। अब बात करेंगे हम इंस्ट्रक्शन के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन साइबर सिक्योरिटी रेगुलर या प्राइवेट मोड हेतु दिशा निर्देश। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी रेगुलर या प्राइवेट मोड तथा सर्टिफिकेट इन साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट मोड के लिए फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 30/11/2021। 30/11/2021 तक हम फीस जमा करा सकते हैं। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी रेगुलर अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त फीस को अमान्य यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सीट रिक्त रहने की स्थिति में वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। प्राइवेट की भी यहाँ 30/11/2021 है और सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी की प्राइवेट की भी यहाँ 30/11/2021 निर्धारित की गई है। सभी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है पर जाकर डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी पर क्लिक करके या सीधा वेबसाइट दी गई है जाकर लिस्ट में अपना नाम देखिए। उसके पश्चात फी जमा करवाने हेतु निम्नानुसार स्टेप्स को फॉलो करें। फीस जमा कराने का तरीका है ओपन वेबसाइट। इस दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा।
या इसे हम अलग से गूगल पर टाइप कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर हमें रजिस्टर्ड ईमेल पासवर्ड कैप्चा फिल करेंगे और इसके पश्चात लॉगिन पर क्लिक करके हम अपनी फीस आसानी से जमा करा सकेंगे। लॉगिन योर अकाउंट, लॉगिन अपने फॉर्म भरते वक्त बनाया था उसी ईमेल और पासवर्ड से अकाउंट को लॉगिन करें। पासवर्ड भूलने पर फॉरगेट पासवर्ड का यूज करें। क्लिक ऑन माय एप्लीकेशन, डिपॉजिट कोर्स फी, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, पे फी नाउ। फी डिपॉजिट करने से पहले प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट निम्नुसार एलिजिबिलिटी यानी एलिजिबल होने पर भी फी जमा करावे, अन्यथा फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, रेगुलर, प्राइवेट, वन ईयर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है 12th इन एनी डिसिप्लिन विथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए, तो ही इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो एनी डिसिप्लिन यानी किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का हो। सर्टिफिकेट इन कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट मोड पर है और ये 6 मंथ का कोर्स रहेगा। सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स के रेगुलर प्राइवेट मोड की प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ईमेल भी किया गया है, तो हम देख सकते हैं जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें ईमेल भी की गई है। डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स इन फी डिटेल निम्नुसार, इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पूर्व फीस जमा करवाना सुनिश्चित करें। तो यहाँ फीस दी गई है, रेगुलर मोड होने की स्थिति में 1 ईयर प्रोग्राम से 25,000 रुपये और प्राइवेट होने की स्थिति में यहाँ 10,000 रुपये, और सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट 6 मंथ का कोर्स है 8,000 रुपये निर्धारित, जो फीस है वो हमें जमा करानी होगी। प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी रेगुलर या प्राइवेट एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी प्राइवेट की फ़ी जमा करवाते समय निम्नलिखित डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता होगी। 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th मार्कशीट है, आधार कार्ड है और इसके पश्चात कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, OBC, MBC, SC और ST उम्मीदवार होने की स्थिति में। अधिक जानकारी के लिए, अन्य सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिए गए हैं, इन पर हम संपर्क कर सकते हैं। समय दिया गया है 10:30 से 4:30 तक कॉल करें, या अधिक जानकारी के लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जारी किए गए हैं, इनके संदर्भ में हमने जानकारी यहाँ इस वीडियो में ली। इन सभी PDF फाइलों का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है। इंस्ट्रक्शन को भलीभांति पढ़ें और इसके पश्चात आप जो आवेदन है करें। सिलेबस के संदर्भ में हम यहां जानकारी ले सकते हैं। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।